अब एक क्वांटिसली वाला रहने देंगे, सिर्फ आप मंथली वाला कैलकुलेट करेंगे। तो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसमें आप आई इक्वल्स टू 0.06 करेंगे, ठीक है बच्चे। एंड आपके पास है मंथली है, मंथली मीन्स क्या हो गया, एवरी वन मंथ में आप आ रहे हैं। और अगर आप m की वैल्यू निकालते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय आपका 1 आएगा, तो यहाँ पर m तो 12 आ गया। और टाइम आपका मुझे पता है मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल पैनिक होने की नीड नहीं है। तो t इक्वल्स टू आपका ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। एंड आपके पास में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है 1 प्लस आई अपॉन m रेस टू पावर m इंटू टी। एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1 प्लस आई, आई क्या आपके पास में 0.06 और अपॉन में m क्या है 12, एंड आपके पास में क्या है 12 इंटू 1 एंड माइनस वन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में क्या आ गया 1 प्लस, सॉल्व करेंगे 0.06 डिवाइडेड बाय 12, 0.005, ठीक है बच्चे। एंड रेस टू पावर क्या है आपके पास में 12 एंड माइनस वन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आपके पास में 1.005 रेस टू पावर 12 एंड माइनस वन, ठीक है बच्चे। तो 1.005 इंटू, अब 12 है ना, तो बस यहाँ पे 13 तक काउंटिंग आनी चाहिए, बस रुक जाओ। अब कितना आया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.06 चार डिजिट तक ले लो एंड माइनस वन, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.0616। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6.16%। तो जो आपको 6% आपको नजर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आपका 16.16% आएगा। तो आप 6% समझ के पैसा उधार ले रहे हैं, लेकिन देखना इसका असर 16.16% का रहने वाला है। तो इसके लिए आप इसका ध्यान रखना। कैलकुलेटर में बच्चे, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, लाइक जैसे मुझे क्या करना है 1.005 की पावर 12 करना है, तो बार बार नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा। कितना पावर क्या है 12 है, तो देखो कैलकुलेटर में ना, यहाँ पर आप देखोगे कैलकुलेटर में सही से ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, तो मुझे 12 चाहिए ना, तो जब तक मैं इक्वल प्रेस करूँगा जब तक कि ये कैलकुलेटर में यहाँ पर 13 लिखा हुआ ना आ जाए, तो मैं करता रहूँगा, ठीक है 1.005 इंटू एंड इक्वल्स टू 13 आ गया ना, बस ये मेरा क्या हो गया पावर 12, मैंने सॉल्व कर दिया कैलकुलेटर पे, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव रेट 8%। तो आपको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव, इस बार इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, और आपको एक तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, क्लियर है डन बच्चों। अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन ना समझिए, क्वेश्चन क्या है इस बार आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग, इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव रेट। तो फोर्स इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, जब इंटरेस्ट चार्जेबल जो है कंटिन्यूसली होता है उसे हम फोर्स इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका ई रेस टू पावर आर माइनस वन, ठीक है बच्चे। बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप पीछे भी किया तो मैं ई कर दिया, कोई बात नहीं आप ई भी कर दो और आप इसको आर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
इफेक्टिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव। तो फोर्स इंटरेस्ट मींस क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली। तो इस बार आपके लिए क्या है, इस बार आपके पास में ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस बार गिवन है 8%, 0.08 एंड ई रेज टू पावर आर माइनस वन। और आपको निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये 0.08 और प्लस वन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आर हो जाएगा, 1.08 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आर हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बच्चे फाइंड करना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपके किस में यूज़ हो रहा है, ये पावर में चला गया। क्लियर है बच्चे? तो अब आपका ये पावर में चला गया आपके पास में आर आर, तो इसको आप कैसे करेंगे, पावर को पहले नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग। तो लॉग 1.08 इक्वल्स टू यहाँ आर आ जाएगा और ये लॉग ई हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब लॉग 1.08, लॉग टेबल में मैंने लॉग की वैल्यू देखने सिखाई थी ना आपको बच्चे, कि 10 पे आप क्या करेंगे, 10 पे आप 8 की एक वैल्यू देख लेंगे और कितने डिजिट्स की वैल्यू है यहाँ पर, ये वन डिजिट के पॉइंट के पहले, तो माइनस वन कर देंगे। तो फिर आपके पास में लॉग की वैल्यू इसकी क्या आएगी, लॉग की वैल्यू आएगी 0.0334, ये लॉग की वैल्यू आएगी। एंड आर, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 0.4343, लॉग ई की वैल्यू होती है। एंड आर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0.0334 अपॉन 0.4343। आप क्यों टेंशन लेते हैं, आपको भाग नहीं करना, कैलकुलेटर को भाग करना है, ठीक है? तो 0.0334 डिवाइडेड बाय 0.4343, तो क्या है आपके पास में, आपके पास में 0.0769 पॉइंट का चार डिजिट, इनटू आप 100 कर दें तो क्या आएगा आपके पास में, 7.69%। तो ये क्या है आपका, ये बच्चे आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अ मनी लेंडर चार्जेस द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 10 पैसा पर रुपीज पर मंथ पेबल इन एडवांस, व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। तो बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ब्लर कैसे हो गया बच्चे, समझ में आया आपको? चले एक क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन आपका एक ऐसा है, चलो इस क्वेश्चन को और करो बच्चे, एक क्वेश्चन कर लो, ये इसको आप ट्राई करें जरा, फिर मैं भी सॉल्व करवा रहा हूं, आप पहले ट्राई कीजिए, करो। देखो बच्चे इस बार क्या हुआ कि आप मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 10 पैसा पर रुपीस पर मंथ, वो क्या करता है, बोलता है कि भैया 10 पैसा मैं आपसे पर मंथ ब्याज लूंगा ऑन 1 रुपी, 1 रुपए पर, पेबल इन एडवांस। इसका मतलब समझिए क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेबल इन एडवांस। लाइक जैसे अब पहले तो यहाँ पे क्या है, एक तो पैसा है और 1 रुपया है, ऐसे बात नहीं बनेंगे भैया, सबको आप एक चीज़ में लो, एक यूनिट को फॉलो करो, पर मंथ आप 10 पैसा पे कर रहे हैं ऑन 1 रुपीज़, ऑन 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसा, ये इसका मतलब, ठीक है? अब देखिए ऑन पेबल इन एडवांस, लाइक आप मुझसे ना 100 पैसा लेने के लिए आए, मैंने क्या किया आपसे कि मैंने 100 पैसा आपको दिया, मैंने बोला एक मिनट रुको 10 पैसा मेरा ब्याज दे दो, एडवांस में स्टार्टिंग में ही, समय नहीं बीतने दिया मैंने, स्टार्टिंग में पकड़ लिया, तो कुल मिलाकर के आपके हाथ तो 90 पैसा पहुंचा ना, और आपने 10 पैसा मुझे ब्याज भी भर दिया, तो कुल मिलाकर के आपने 10 पैसा जो मुझे इंटरेस्ट दिया है वो 1 रुपये पर नहीं दिया, आपके हाथ में तो मैंने 90 पैसे पकड़ा है, तो 90 पैसा पे है, तो एडवांस का मतलब यही होता है, एडवांस में ये जो है इसमें से माइनस हो जाता है, समझ में आया आपको? तो 10 पैसा आपको इंटरेस्ट मिला और किस पे दिया आपने, 100
पैसे पे नहीं, आपने ये 90 पैसा ही उससे लिया था। जैसे कि एडवांस में ब्याज आपका भी लेना तो ऐसे ही होगा, जब ब्याज लेते हो तो वो एडवांस में इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको गलत फहमी रहती है कि भैया इतना परसेंट, बट वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे, वो बहुत होशियार होते हैं। कैसे, मैं फिर से रिपीट करूँ आपको इस बात को, समझ में आया आपको ये कहानी, क्लियर है? लाइक 10 पैसा एडवांस में ले लिया, तो 1 रुपये में से मैंने क्या करा, दिया 10 पैसा, 100 पैसा, वो बोला लाओ 10 पैसा एडवांस में इंटरेस्ट ले लूँगा, उसी में से काट लेता है वो। तो फिर 10 पैसा आपने ब्याज तो भर दिया उसको, और आपको हाथ में 90 पैसे लगा, तो 90 पैसा पे भर रहे हो, 10 पैसा रुपये पे नहीं भर रहे हो आप। तो इसलिए जो पे कर रहे हो इंटरेस्ट ऊपर, और इसमें से आप माइनस कर दो जो एडवांस में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1/9। तो ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है अभी, ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। बच्चे ध्यान रखिएगा, लास्ट के 2 सालों से बिजनेस मैथ्स का पेपर जबरदस्त तगड़ा आ रहा है, मतलब हिला देने वाला पेपर आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना, कम प्रैक्टिस में बिल्कुल भी इस बिजनेस मैथ्स एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आओ अब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, जिसका फार्मूला क्या था आपका, 1+i ठीक है रेस टू पावर m इंटू टी। अब एक बात समझिए कि नीचे मैंने m क्यों नहीं लिखा, वो जब सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कब का है, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हर महीने 10 पैसा दे रहा है वो रुपया पे। तो जब सालाना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको ट्रांसफर करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, तब हम डिवाइडेड बाय एम करते हैं, बट ये ऑलरेडी आपको मंथली चार्जेबल है और मंथली ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है, तो इसको हमें डिवाइडेड बाय एम करने की नीड नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 कब करते हैं, जब एनुअल दिया होता है और हाफ ईयरली चार्जेबल है, जब आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट दे देगा तो वहाँ पे आपको डिवाइडेड बाय 2 करने की नीड नहीं है। जब आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बने क्वार्टरली चार्जेबल है तो वहाँ करते हैं, जब आपको क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा क्वार्टरली चार्जेबल है तो वहाँ करने की नीड नहीं है, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करने की नीड नहीं है, और ये आपको 12 मंथ का रहेगा, तो 1+1/9 ही रहेगा और रेस टू पावर 12 रहेगा। तो सॉल्व करेंगे, 9 × 9 + 1 = 10/9 रेस टू पावर क्या हो गया, 12 हो गया, एंड माइनस वन आगे सॉल्व करेंगे, 10/9 ठीक है बच्चे, और इनटू इक्वल्स टू 12 है तो यहाँ पे 13 तक ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास में, 2.581 ठीक है, एंड माइनस वन कर दिया तो कितना है हमारा, 1.5811 क्लियर है बच्चे, ये समझ में आया आपको। देख लो 10/9 into 10/9 10/9 into 10/9 कितना है हमारे पास में, 1.11 -1 रेस टू पावर 12, 1.11 इक्वल्स टू 3.498 -1 एंड सॉल्व करेंगे 2.498 और इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटू 100 करेंगे तो 24.249.8% क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो सबसे पहले आप क्या करो, 10/9 तो 1.11 आया, लिखो, लिख दिया, और क्या फिर से कैलकुलेटर को जीरो करो, लिखो 1.1111, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू प्रेस क्या करो, ठीक है बच्चे, क्लियर है? डन।